का लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब के जरिए रायगढ़ के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं, यानी कि जो दर्शक घर पर बैठे हैं पूरे वर्ल्ड में ये लाइव टेलीकास्ट जा रहा है यूट्यूब के जरिए। जय हनुमान क्रिकेट क्लब बाबा डोगरी स्वर्गीय गोपाल चक नई स्मृति चषक 2016 के टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट सभी को देखने को मिल रहा है आज के दिन, और उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। शाहरुख भाई शेख और उनकी टीम संतोष नानेकर, किरण दलवी भी यहाँ पे आए थे सुबह, तो हम इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए यहाँ पे आए कवर करने के लिए। तो मैडी जी, आपके पास है एक और मौका, एक अच्छी बढ़िया सी धुन बजाइए। लग चुका है और पहली गेंद के ऊपर सिंगल, लेकिन दूसरे गेंद के ऊपर चार। ये देखिए गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से आसमान को चीरती हुई 6 रन के लिए। ग्यारह रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और समाधान वास्कर की ये गेंद, इस वक्त और पिच गेंद को खेला गया है, काउ कॉर्नर के क्षेत्र में से गेंद सिंगल के लिए है, और 1 रन से 7 स्कोर कार्ड आगे हिलता हुआ 12 का आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर जड़ चुका है। बिल्कुल अच्छी शुरुआत होती हुई दोनों बल्लेबाज राकेश और अर्जुन, इन दोनों बल्लेबाजों के माध्यम से देखने को मिल रही है। फुल टॉस गेंद को टाइम किया है और क्या उम्दा कैच पकड़ा है शैलेश भोईर ने, और अर्जुन परदेशी के पारी का यहां अंत होता हुआ डीजे मास्टर। का सिलेक्शन किया उन्होंने और ये पहली विकेट उन्हें मिल चुकी है पहले सत्र में अर्जुन परदेशी की। रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर
12। ये देखिए पुलटॉस गेंद को टाइमिंग किया गया है, यानी कि वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से यह आता हुआ दनदनाता छगा। धन्यवाद डीजे मास्टर मैडी। और रन जड़ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन, यानी कि शुरुआत अच्छी, हालांकि एक विकेट जरूर मिली है, लेकिन रन जड़ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 18, बिल्कुल उम्दा शुरुआत दिलाई है बल्लेबाज राकेश और बल्लेबाज सूरज। हालांकि अर्जुन परदेशी, जिस बल्लेबाज से उम्मीदें थी, वो बल्लेबाज असफल हो चुके हैं इस मुकाबले में, यानी कि पैवेलियन में आ पहुंचे हैं। और नंबर 2 के गेंदबाज मैंडेटरी पावर प्ले की दूसरी गेंदबाज हम देख रहे हैं समाधान श्रीकांत भुईर। फुल टॉस गेंद और गेंद गली में से निकलती हुई थर्ड मैन के क्षेत्र में से, लेकिन अच्छी फील्डिंग हो चुकी है वहां पे, 2 रन मुकम्मल हो चुके हैं। 2 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे हिलता हुआ, 20 का आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर लगता हुआ। जबरदस्त मुकाबला, कड़ी धूप में चलता हुआ मुकाबला, दोपहर के 3 बज चुके हैं, ऐसे में यह दूसरे दौर का पहला मुकाबला यहां से चलता हुआ मैदान के अंदर, कुंडेवाल बनाम चिंसपाड़ा। ये देखिए ब्लॉक और लेंथ गेंद को खेला गया है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, आती हुई गेंद सिंगल के लिए, 1 रन पूरा हो चुका है, 1 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे हिलता हुआ, यानी कि 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। पिछला मुकाबला हमने देखा है कि तुरमाले बनाम वाहल और तुरमाले के गेंदबाजी हमने देखी, जो बॉलिंग अटैक था जिसमें ऋषिकेश नामी गेंदबाज ने क्या उम्दा गेंदबाजी की और उल्वे नोड के सभी दर्शकों को यहां उसने खुश किया है। बिल्कुल यहां रिवर्सिव खेलने की कोशिश, लेकिन इस वक्त 1 रन पूरा हो चुका है, 1 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे हिलता हुआ 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और ये गेंद अब ले देखना श्रीकांत, फुल टॉस गेंद, गेंद को स्टीयर किया, स्ट्रेट हिट खेला गया गेंद को और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 26 रन एक विकेट के नुकसान पर, यानी कि अब काफी देर बाद ये चौवा हमें देखने को मिला है राकेश भोईर इस बल्लेबाज के माध्यम से। रन जड़ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 26, बिल्कुल अच्छा मुकाबला चलता हुआ इस मैदान के अंदर। फुलटॉस गेंद, बिल्कुल यहां से टाइम किया है गेंद को और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 1 बाउंस 4 रन। धन्यवाद डीजे मास्टर। 30 का आंकड़ा लग चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि अब यहां से धुलाई होती हुई गेंदबाज श्रीकांत की। और पिच गेंद को इनसाइड आउट शॉट खेला गया है, एक्स्ट्रा कवर को चीरती हुई गेंद 1 बाउंस 4 रन के लिए। चौंतीस का आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर लगता हुआ, यानी कि 17 के औसत से चिंसपाड़ा टीम इस मैदान पर चलते हुए बिल्कुल अच्छी कंडीशन में, यानी कि मजबूत स्थिति में चलते हुए चिंसपाड़ा की टीम। हालांकि एक विकेट जरूर मिली है, लेकिन उसके बावजूद अर्जुन और सूरज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए मैदान के अंदर
और अब हम देखने वाले वो तीसरे गेंदबाज गौरव के और समाधान वास्कर अपने स्पेल का दूसरा ओवर और स्टीव की तरफ से तीसरा ओवर लेके आ रहे हैं और उनके सामने है बल्लेबाज सूरज भोईर, जिस बल्लेबाज ने पिछले एक मुकाबले में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी और वही बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पे है। 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जड़ चुके हैं। ऐसे में कुंडेवाल टीम के कप्तान को यहां सोचने वाली बात जरूर है क्योंकि रनों की रफ्तार बढ़ चुकी है। ये देखिए छोटी गेंद और अंपायर की उंगली आसमान है, यानी कि ये स्टंपिंग आउट हो चुके हैं। बल्लेबाज सूरज के पारी का अंत होता हुआ धन्यवाद मैडी, और थोड़ा सा ज्यादा माइक का वॉल्यूम भी बढ़ाई है। बहुत अच्छी धुन बजी है और रन जट चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 34 और यह विकेट मिल चुकी है और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होते हुए रोहन परदेशी मैदान के अंदर दाखिल होते हुए नंबर 4 के पोजीशन पर और समाधान वास्कर ने आते ही अपने स्पेल के दूसरे ओवर में पहली गेंद के ऊपर पहली विकेट उन्हें मिलने में सफलता अर्जित हुई है। जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए समाधान वास्कर, ये देखिए गेंद बिल्कुल टिप्पा खाने के बाद फर्स्ट स्लिप पे जब फील्डर हाजिर था उसके हाथ में, यानी कि ये बल्ले की एज लगी है और ये बल्लेबाज की पारी का यहां से अंत होता हुआ, यानी कि ये बल्लेबाज पैवेलियन का रास्ता नापता हुआ। बल्लेबाज मैदान के अंदर विजय भोईर और 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर दो ओवर में लगे थे। ऐसे में समाधान वास्कर ने बिल्कुल जो तीसरा ओवर लेके आए थे इसने दो गेंदों में बैक टू बैक दो विकेट ली है, यानी कि अब कमबैक दिलाने वाली ओवर यहां से करते हुए समाधान वास्कर। 34 कार्ड का जड़ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर और बिल्कुल शानदार मुकाबला आज के दिन सभी दर्शकों को देखने को मिल रहा है, जो कि कुंडेवाल बनाम चिंसपाड़ा। छोटी गेंद कट शॉट खेला गया है पॉइंट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाते हुए नंबर 4 के लिए। हेलो हेलो, बिल्कुल यहां से रन स्कोर कार्ड के ऊपर जड़ चुके हैं 38 विकेट जा चुके हैं चिंसपाड़ा के 3 और समाधान वास्कर बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन एन मौके पर, लेकिन ये देखिए गेंद को पैडल किया गया है डिप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से ये आता हुआ 6 रन। छह रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ, यानी कि 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं और अंपायर जी का यहां पर इशारा आता हुआ कि ये वाइट गेंद है, वाइट के साथ स्कोर में बढ़ती होती हुई स्कोर में तब्दीली, यानी कि 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। मजबूत स्थिति में है, मजबूत कंडीशन में चलती हुई यहाँ पे चिंसपाड़ा टीम। ऐसे में कुंडेवाल के गेंदबाजों की खास तौर पर यहाँ पिटाई हुई है। समाधान वास्कर ने अच्छी गेंदबाजी, पहले 2 गेंदों में 2 विकेट लेकिन उसके बाद उन्होंने 11 रन खर्च किए। और पिच गेंद और दैट्स अ फ्लैट 6 डीजे मास्टर। और एक कवर रन स्कोर कार्ड के ऊपर, स्लो ओवर वन गेंद, गेंद को खेला गया है कवर पॉइंट के तरफ शैलेश भोईर गेंद के नीचे, यानी कि 1 रन मुकम्मल होता हुआ, 1 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे हिलता हुआ 52 रन
स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। बिल्कुल अच्छी शुरुआत यहां से होती हुई चेंज पाटा टीम की। मैडी हम देख रहे हैं कि कुल मिला के रन स्कोर कार्ड के ऊपर जट चुके। और राकेश विजय वन स्ट्राइक पे है, ये फुल टॉस वाली गेंद थी, डॉट गेंद निकलती हुई, यानी कि इस गेंद के ऊपर कोच कुछ रन नहीं है, अंपायर का कोई इशारा भी नहीं है। गेंदबाज के तौर पर हम देख रहे हैं महेश गेंदबाज को हम देख रहे हैं, गेंदबाजी करते हुए महेश वाजकर, उनके सामने है विजय। ब्लॉक ऑन लेंथ गेंद, गेंद को खेला गया है बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में सिंगल के लिए। एक रन के साथ स्कोर कार्ड आगे हिलता हुआ, रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 53 रन। चौथी ओवर प्रोग्रेस पे ऐसे में हमें चिंसवाड़ा अच्छी स्थिति में देखने को मिल रही है। हालांकि उनकी विकेट 3 जरूर जा चुकी है, लेकिन रन अच्छे बने हैं। और पिच गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगाए, गेंद के नीचे विकेट कीपर संतोष पाटिल और राकेश भोयर की पारी का अब खात्मा होता हुआ। राकेश पाटिल, सतीश पाटिल नए बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होते हुए, और महेश वास्कर यहां से अच्छी गेंदबाजी करते हुए, क्योंकि उन्होंने अब तक 3 गेंदों में 1 रन दिए और 1 विकेट हासिल की है। अच्छी गेंदबाजी करते हुए, क्योंकि पिछले जो शुरुआती के उनके आरंभिक गेंदबाज थे जो यहां असफल हुए इस मैदान पर, ऐसे में आखिर के गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने टीम के लिए। छोटी गेंद, बल्ले का फेस खोला है, पिक किया गेंद को, थर्ड मैन के क्षेत्र में से गेंद जाती हुई 4 रन के लिए। बिल्कुल गेंद के लंबाई को यहां से देखा है और उस गेंद को पिक किया था, बल्ले का फेस को लगाया था। बिल्कुल ब्लॉक ऑन लेंथ गेंद जाती हुई वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ, समाधान कातकरी ने गेंद को पकड़ा है, यानी कि यह 1 रन मुकम्मल होता हुआ। 1 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे हिलता हुआ, 58 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अब तक लग चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। और स्ट्राइक पे आ चुके हैं सतीश पाटिल और 58 का आंकड़ा जट चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। महेश वास्कर अच्छी गेंदबाजी, 5 गेंदे अब तक डाली है और 6 रन उन्होंने खर्च किए है। और पिच गेंद, इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला गया है 6 रन के लिए। जी बिल्कुल, बादशाह मूवी का गाना यहाँ बजाया है कि रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 64, 16 की औसत से चलती हुई चिंसवाड़ा टीम। और सोपान केनी इनकी तरफ से सतीश पाटिल के लिए 100 रुपए का इनाम आ चुका है, जो पिछले गेंद के ऊपर उन्हें छगा दागा था, यानी कि उन्हें इनाम मिल चुका है 100 रुपए का सोपान केनी जी इनकी तरफ से। आखिर की 6 गेंदे और हम गेंदबाज के तौर पर देख रहे, गेंदबाज समाधान कातकरी राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। तो समाधान वास्कर ने यहां से अलग सोचा था कि इस गेंदबाज को शुरुआत में लाना जरूरी था,
ये देखिए छोटी गेंद थी, इस गेंद को खेला गया है, स्क्वेयर लेग के ऊपर गेंद है, लेकिन गेंद के नीचे फील्डर सेफ लैंडिंग होती हुई, दो रन मुकम्मल, दो रन के साथ स्कोर कार्ड आगे हिलता हुआ 66 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। समाधान कात करी जिसमें हमेशा मैंने देखा है कि अपने स्पेल की और टीम की तरफ से दूसरी ओवर करते हुए देखा गया है, लेकिन आज आखिर की ओवर उन्हें क्यों लाया गया है यह भी सोचने वाली बात है। लेकिन ये छोटी गेंद और ये गेंद सीधा अंपायर के सर के ऊपर से, इट्स अ क्लियर माइटी 6 रन। बिल्कुल डीजे मास्टर, 4 रन हुए, 4 रन आ चुके हैं पिछली गेंद के ऊपर और विजय के लिए 100 रुपए का इनाम आया है। चगार लगाता है तो किरण लबड़े इनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम विजय के लिए। डॉट गेंद निकलती हुई विजय बॉय के लिए और 100 रुपए का इनाम है किरण लबड़े जी की तरफ से। छगा लगाते हैं तो बिल्कुल 200 रुपए मेरे पास जम चुके हैं, एक सतीश के है और विजय के लिए अगर छगा लगाते हैं तो। लेकिन रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके 70, यानी कि आज के दिन का ये हाईएस्ट होगा क्योंकि आज के दिन इतने रनों तक कोई पहुंचा नहीं है। 80 रन का रिकॉर्ड है पिछले दिन का, तो ये 80 रन को ब्रेक किया जाएगा या नहीं ये देखने वाला है। लेकिन इस वक्त गेंद को खेला गया है कॉर्नर के क्षेत्र में से, गेंद 4 रन के लिए। और यहां से रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 74। जबरदस्त अच्छी शुरुआत, उम्दा शुरुआत दिलाते हुए बल्लेबाज जेम्स पाड़ा की। समाधान कातकर की ये गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में जाती हुई, फील्डर वहां पे हाजिर है समाधान वास्कर, लेकिन तब तक एक रन मुकम्मल होता हुआ, एक रन के साथ स्कोर कार्ड आगे हिलता हुआ, यानी कि 75 रन स्कोर कार्ड के ऊपर चढ़ चुके हैं। और ऐसे में अब देखने वाले सतीश पाटिल ऑन स्ट्राइक है, छगे के लिए 100 रुपए का इनाम। इस गेंद को खेला गया है डीप मिड विकेट के ऊपर से, एक लंबा चौड़ा ताकतवर सिक्स। डीजे तो फातेरा बना है जीवन मेरा,
कि अगर जीत की नैया पार करनी है तो समाधान वास्कर के बल्ले से रन आने बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं अगर समाधान वास्कर यहाँ सस्ते में आउट हुए फिर कुंडेवाल टीम को थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मुसीबत में से गुजरना पड़ सकता है। और ये दूसरे सत्र की पहली गेंद होगी और उनके सामने एक शातिर और माहिर गेंदबाज छिंसवाड़ा के हरीश केनी, P1 की पहली ओवर लेके, और उनके सामने है समाधान वास्कर। ये गेंद निकलते हुए दोनों खिलाड़ी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, गेंद लॉन्ग स्टॉप के क्षेत्र में, 4 रन। खुल चुका है कानोबा कुंडेवाल टीम का, यानी कि 81 रन का पीछा कर रहा है और ये बोनस 4 जरूर हो गए क्योंकि विकेट कीपर उसके बाद फर्स्ट स्लिप और लेग स्लिप में जो फील्डर तैनात थे उनकी गलती के वजह से ये पहली गेंद के ऊपर 4 रन यहां से मुकम्मल होते हुए। छोटी गेंद को दिशा दी है, यानी कि इनसाइड आउट शॉट के लगाया गेंद को, एक्स्ट्रा कवर को चीरती हुई गेंद 6 रन के लिए। मैंने बात जरूर कही थी कि समाधान वास्कर का यहां चलना जरूरी है, ऐसे में 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फुल टॉस गेंद और इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से खेला गया है, इट्स क्लियर माइटी 6 रन के लिए। पत्थर से दिया जा रहा है, यानी कि आप शेर हैं तो हम भी बब्बर शेर हैं, और दोनों शेरों के बीच में यह चलता हुआ मुकाबला इस मैदान के अंदर, काटे का मुकाबला कुंडेवाल विपक्ष छिंसवाड़ा। स्लो ओवर गेंद, इस गेंद को फिर से इनसाइड आउट शॉट खेला गया है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सफाईदार शॉट, 4 रन। और हरीश केनी गेंदबाज की यहां पिटाई होती हुई क्योंकि शातिर गेंदबाज के सामने है एक माहिर बल्लेबाज, इस गेंद के ऊपर खुद को रोक नहीं पाए, यानी खुद के ऊपर का जो कंट्रोल था वो छूट चुका है और समाधान वास्कर के एक महत्वपूर्ण विकेट यहां मिलने में सफलता अर्जित की है हरीश केनी ने। बीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके थे 5 गेंदों में, ऐसे में समाधान वास्कर को दिमाग को वहां शांत रखना चाहिए था क्योंकि इस गेंद के ऊपर अगर सिंगल आती तो उन्हें अगली 6 गेंदें और खेलने का मौका भी मिल सकता था। ऐसे में पहले सत्र में छिंसवाड़ा टीम ने 17 रन बनाए थे पहले ओवर में, लेकिन कुंडेवाल टीम 20 रन यानी कि 3 रनों से आगे चलती है, तो समाधान वास्कर को वहां रुक के खेलना जरूरी था, लेकिन जल्द से रन बनाने की कोशिश में अपनी एक महत्वपूर्ण विकेट यहां सस्ते में देखे आउट होके आए हैं बैक टू द पैवेलियन। नए बल्लेबाज नंबर 3 के पोजीशन पर रोहित गायकवाड़ और हरीश केनी की पहली ओवर की अभी भी 1 गेंद बची है, यानी कि समाधान वास्कर ने 4 गेंदों में 20 रन बनाए थे, ऐसे में समाधान वास्कर को वहां रुक के खेलना यानी कि रुकना चाहिए था क्योंकि ये रन बनाए जा सकते थे, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जिनके इरादे बुलंद होते हैं वो रस्तों की नहीं बल्कि मंजिलों की बातें करते हैं, ये सोचना होगा कुंडेवाल के बल्लेबाजों को। लेकिन ये हरीश केनी को वापसी दिलाने वाली विकेट पहली ओवर की समाप्ति के बाद रन स्कोर कार्ड के ऊपर 20। मैडी
बिल्कुल एक रन एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है। हरीश केने की ओवर की समाप्ति के बाद रन जड़ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 20, यानी कि अभी भी 71 रनों की जरूरत है। 24 गेंदों में 61 रनों की जरूरत है, यानी कि 15.25 के औसत से चलना होगा कानोबा गुंडेवाल टीम को इस मुकाबले में जीतने के लिए। मैं हमेशा कहता हूं जिनके इरादे बुलंद होते हैं वो सड़कों की नहीं बल्कि मंजिलें और आसमानों की बातें करते हैं, और इन रनों का पीछा किया जा सकता है लेकिन इसके लिए बल्लेबाजों को मेहनत करनी होगी। गेंदबाज विशाल, स्लोअर वन गेंद थी, बिल्कुल चकमा देने वाली गेंद, गेंद की लंबाई को माप नहीं पाए बल्लेबाज बाएं हाथ के प्रकाश वास्कर, यानी कि यह डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई स्कोर वहीं पे रुका हुआ 20 रन एक विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं प्रकाश वास्कर इस बल्लेबाज के लिए। फुल टॉस गेंद था, गेंद को खेला गया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, फील्डर विजय हुआ हाजिर, यानी एक रन मुकम्मल होता हुआ, एक रन के साथ स्कोर कार्ड आगे हिलता हुआ 21 रन। मैंने पहले कहा था कि समाधान वास्कर इस बल्लेबाज को रुकना चाहिए था, लेकिन रन जल्दी बनाने की कोशिश में अपनी महत्वपूर्ण विकेट वो दे के आए हैं। अभी भी 60 रनों की जरूरत है, रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 21, 22 गेंदे और 60 की जरूरत 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ये देखिए ब्लॉक ऑन लेन गेंद है, अपील की जा चुकी है लेकिन अखिल में दमखम नहीं है क्योंकि मैदान के अंदर क्वालिफाइड अंपायर है और यह डॉट गेंद निकलती हुई। कल्याणी घोरपड़े सर और सूर्यकांत अड़ाव सर ऐसे दो क्वालिफाइड अंपायर इस मुकाबले के लिए अंपायरिंग कर रहे हैं। और सम्मानीय महेश नाइक जी साहेब जावले, इन्होंने इस टूर्नामेंट को 25,000 रुपये का डोनेशन दिया है, उनका अब शुक्रिया अदा करते हैं। इस गेंद के ऊपर सिंगल मुकम्मल होता हुआ एक रन के साथ स्कोर कार्ड आगे हिलता हुआ 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। शुरुआती ओवर में जो शुरुआत दिलाई थी समाधान वास्कर, जिस तरह से गेंदबाज के ऊपर टूट पड़े थे, जिनका बल्ला यहाँ बोल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि कुंडेवाल टीम जरूर ये इस मुकाबले में ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है, लेकिन जैसे ही समाधान वास्कर के विकेट मिली है चिंसवाड़ा टीम फिर से इस मुकाबले में वापस लौटी है। विशाल केली की अगली गेंद होगी बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रकाश के लिए। ब्लॉक ऑन लेन गेंद है और यहां फिर से अपील की गई और अंपायर की उंगली आसमान में, यानी प्रकाश वास्कर के पारी का अंत होता हुआ। तुरमाले टीम को कप्तान को टॉस के लिए आना है, ये ओवर खत्म होने से पहले उन्हें यहां टॉस के लिए आना है वरना पेनल्टी दी जाएगी, इतने सख्त नियम है यहां पर। ये ओवर खत्म होने से पहले आना है। आखिरी गेंद है इस ओवर की, यानी कि 5 गेंदे डाली है विशाल केनी ने और 2 रन वाला ओवर अब तक किया, यानी कि सफल और कामयाब गेंदबाजी देखने को मिल रही है विशाल केनी के माध्यम से। स्ट्राइक एंड पे आ चुके हैं बल्लेबाज विराज गायकवाड़। बिल्कुल यहां मुसीबत में है कुंडेवाल टीम, लेकिन मुसीबत में यहां से बाहर निकलने के लिए किसी एक बल्लेबाज को यहां आक्रामकता दिखानी होगी। ये वॉकर लेन गेंद, यानी यॉर्कर लेन गेंद डाली गई थी विशाल के लिए, यानी कि दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 22, विकेट जा चुकी है कुंडेवाल की 2। तुरमाले के कप्तान आ चुके हैं और टॉस कीजिए तुरमाले के कप्तान, बिल्कुल मेरे स्टेज के सामने। और सरबानी श्री दीपक गोंदली जी, इन्हें चाहूंगा कि आप अगले मुकाबले का टॉस कीजिए। दीपक गोंदली सर, तुरमाले और जावले के बीच में टॉस कीजिए। दीपक गोंदली सर, इनके हाथों से अगले मुकाबले का टॉस का बॉस हो रहा है, नीलेश सिलेवन जावले बनाम तुरमाले। और अब इस मुकाबले में तरफ देखा जाए तो रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 22, यानी कि जीतने के लिए रनों का फासला तय करना है। 18 गेंदे और स्कोरर
गेंदबाज हरीश के ने अपने स्पेल की है दूसरी ओर, यानी कि तीसरी ओर टीम की तरफ से, लेकिन इस वक्त गेंद को देखा, लंबाई को भापा, यानी वेट एंड वॉच वाला गेम खेला गया है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में से 4 रन। और जीतने के लिए 56 रनों की जरूरत, 17 गेंदे 56 की जरूरत। एक छक्का आ चुका है रोहित गायकवाड़ इस बल्लेबाज के बल्ले से हमें देखने को मिला, और हरीश केडी की यह गेंद बिल्कुल यॉर्कर लेंथ गेंद को खेला गया है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद ट्रेवल कर चुकी है, और यह डबल के लिए प्रयास, और डायरेक्ट हिट होने की वजह से विराज गायकवाड़ के यह विकेट मिलती हुई मैडी। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पुष्कराज पाटिल, और रन आ चुके स्कोर कार्ड की ओर 27। रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इसके बाद मैदान के अंदर इस ओवर के बाद आपको पानी भेजना है आयोजक, क्योंकि पानी की मांग हो चुकी है। इस ओवर के बाद रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 27। कुंडेवाल टीम मुसीबत में है इस वक्त। स्लोवर वन गेंद, बिल्कुल फिरकी गेंद डाली गई थी, चकमा देने वाली गेंद, यानी कि ये डॉट गेंद निकलती हुई जिस गेंदबाज के गेंदबाजी के ऊपर पहले ओवर में 20 रन जोड़े थे 4 गेंदों में समाधान वास्कर ने, वही गेंदबाज अब अच्छी गेंदबाजी करते हुए तीसरे ओवर में। हरीश केनी, ये छोटी गेंद, पटकी हुई गेंद को खेला गया है बैट, यानी कि डिप मिड विकेट के ऊपर से ये 6 रन आता हुआ। स्कोर कार्ड के ऊपर जड़ चुके हैं, और हम देखने वाले हैं कि हरीश केनी की यह आखिरी गेंद होगी विराट गायकवाड़ के लिए। क्या बढ़िया शॉट खेला है, हेलीकॉप्टर शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, और एक तकनीकी शॉट हमें देखने को मिला है डीजे मास्टर। हेलो डीजे मास्टर थांबा जाए तो पूर्वी में यह स्पर्धे मुख्य आयोजक संजय ठाकुर यांना विनंती करतो कि अपन माननीय श्री दीपक गोंदली सर यांचा अपन स्वागत सोहळा करायचा आहे। शाल पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन सन्माननीय दीपक गोंदी सर यांचं स्वागत करायचं आहे। त्याचप्रमाणे मी संजय ठाकूर यांना पुन्हा एकदा विनंती करतोय की सन्माननीय चंद्रकांत म्हात्रे यांचं देखील आपण इथं स्वागत करायचं आहे। शाल पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन सन्माननीय चंद्रकांत म्हात्रे सर यांचा इथं स्वागत सोहळा करायचा आहे। स्वागत सोहळा संपन्न होत आहे, बिल्कुल ऑल अब मैदान के अंदर चलते हैं। हरीश केनी इस गेंद को फिर से हेलीकॉप्टर शॉट, लेकिन खुद के फॉलो थ्रो में एक शानदार और उम्दा कैच हमें देखने को मिला है डीजे मास्टर मैडी। पानी की मांग की है मैदान के अंदर, पानी जाना जरूरी है। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर में रन जड़ चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 39, यानी कि जीतने के लिए 12 गेंदे और 43 रनों की जरूरत है, 43 रन का फासला तय करना है कुंडेवाल टीम को। तो ऐसे में इन रनों का पीछा किया जा सकता है संदेश, क्योंकि उनके पास ऐसा बल्लेबाज है जो कि पुष्कराज पाटिल एक घातक बल्लेबाज है। ऐसे में इस बल्लेबाज से उम्मीदें होगी, क्योंकि 12 गेंदों में 43 रन बनाना है, तो इस ओवर में कहीं अगर 22 से 23 रन वाला ओवर हुआ
तो अंतिम के छह गेंदों में आखिर तक जाया जा सकता है, लेकिन हम देखेंगे कि ऐसा चिंसवाड़ा के गेंदबाज होने देंगे कि नहीं, क्योंकि 12 गेंदे और 43 रनों की जरूरत है। फील्डिंग लगाइए जल्द से जल्द, क्योंकि और दो मुकाबले होने अभी बाकी है। सतीश पाटिल नामी गेंदबाज चौथी ओवर लेके नंबर 4 वाली ओवर, जो कि इस मुकाबले में महत्वपूर्ण होगी, और उनके सामने आक्रामक बल्लेबाज पुष्कर राज पाटिल, 12 गेंदे और 43 रनों की जरूरत। फील्डिंग सज चुकी है और मुकाबला शुरू कीजिए। 12 गेंदे 43, पिच गेंद बल्ले का एज लगाया और पीछे फील्डर थे राजा, और यहां पुष्करज पाटिल के पारी का अंत होता हुआ। चालीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके, यानी कि 11 गेंदे और 43 रनों की जरूरत है, और बल्लेबाज शैलेश बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होते हुए, जिस बल्लेबाज से हमेशा हमने ओपन करते हुए देखा है, लेकिन यहां कप्तान ने अलग सोच के साथ उतरे थे कि शैलेश भोयर को अब तक पीछे क्यों रखा गया था। और ये देखिए आते ही लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को खेला है, लेकिन फील्डर वहां पे हाजिर, और शैलेश भोयर के पारी का आते ही खात्मा किया है। यानी कि 39 रन अभी भी जीतने के लिए 10 गेंदे और 43 रनों की जरूरत है। बिल्कुल इस मुकाबले में चिंसवाड़ा टीम हावी होती हुई, ये फिर से अच्छी वाली गेंद हमें देखने को मिल रही है, फील की गई है, लेकिन अपील में कोई दम नहीं है। डॉट गेंद निकलती हुई, 9 गेंदे और 43 रनों की जरूरत, एक तरफा मुकाबला हमें इस मैदान में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल शांत मुकाबला, काटे का मुकाबला होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि समाधान वास्कर जैसे बल्लेबाज के विकेट उन्हें जल्दी यानी कि सस्ते में मिली थी। ये ब्लॉक वाले गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में ढकेला गया है, गेंद को एक रन के लिए, एक रन के साथ स्कोर कार्ड आगे हिलता हुआ, यानी कि 40 रन, अभी भी 42 रनों की जरूरत, 8 गेंदे और 42 रनों की जरूरत, एक तरफा मुकाबला। ऑन स्ट्राइक पे आप पहुंचे हैं संतोष पाटिल, एक जबरदस्त क्रिकेटर, जिस खिलाड़ी कुछ साल पहले चले अब पीछे चले जाए, तो इस बल्लेबाज अच्छे बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते थे संतोष पाटिल। 8 गेंदे 42, अक्रॉस द लाइन खेला गया है गेंद को, लेकिन वहां फील्डर हाजिर था वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, और संतोष पाटिल की विकेट मिलती हुई। सात गेंदे 42 रनों की जरूरत, और मैदान के अंदर महेश वास्कर दाखिल होते हुए, सतीश पाटिल की यह आखिरी गेंद होगी समाधान कटकरी के लिए। यह गेंद अंपायर का बिल्कुल यहां से इशारा आ चुका है कि यह वाइट है, वाइट के साथ स्कोर में बढ़ती, यानी कि 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, अभी भी जीतने के लिए 41 रन और बाकी है, 41 रनों की जरूरत है। सात गेंदे 41 रनों की जरूरत, बिल्कुल काटे का मुकाबला नहीं होने को, और ऐसे में ये डॉट गेंद निकलती हुई, एक तरफा मुकाबला, 6 गेंदे और 41 रनों की जरूरत है, करिश्मा ही इस मुकाबले में कुंडेवाल टीम को वापसी दिलवा सकता है। सैंडी
गेंदों में 41 रनों की जरूरत है और अंतिम के गेंदबाज हम देख रहे हैं चिंसवाड़ा की तरफ से श्रीकांत श्रीकांत और आखिर की 6 गेंदें हो गई और 41 रन और पिच गेंद को खेला गया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। पैंतीस की दरकार और महेश वास्कर ने एक जबरदस्त छगा लगाया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, फिर से उसी दिशा में खेला है लेकिन कारपेट के सहारे गेंद को ढकेला है सिंगल के लिए। एक रन मुकम्मल होता हुआ लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद ट्रैवल हुई थी। एक रन के साथ स्कोर कार्ड आगे हिलता हुआ यानी कि 48 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुका है। अभी भी 34 रनों की जरूरत है, 4 गेंदे और 34 रनों की जरूरत कुंडेवाल टीम को। लोअर फुल टॉस गेंद को ट्रैवल किया गया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, गेंद को ढकेला है एक रन के लिए। एक रन के साथ स्कोर कार्ड फिर से आगे हिलता हुआ यानी कि 49 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 33 रनों की जरूरत है 3 गेंदों में। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला, आखिर की 3 गेंदे और 33। छोटी गेंद को खेला गया है डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 6 रन के लिए। दो गेंदों में 27 चाहिए और पिच गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला गया। गेंद तेजी के रफ्तार के साथ जाते हुए लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पे। आखिरी गेंद इस मुकाबले की यानी कि यह मुकाबला चिंसवाड़ा टीम जीत चुकी है 101%, क्योंकि आखिर के गेंद के ऊपर 27 रन चाहिए और इस गेंद को खेला गया है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। महेश वास्कर की विकेट मिलती हुई यह मुकाबला चिंसवाड़ा जीती है। तो चिंसवाड़ा को रुकना है या जाना है।